हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ओल आलू और बैंगन की सब्ज़ी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बरसात के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ओल लिया था 250 ग्राम के करीब। अच्छे से उसे छील कर काट लिया है। यहाँ 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील कर अच्छे से काट लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ का बैंगन लिया था, उन्हें भी इस प्रकार से काट लिया है। आप 2 बैंगन भी ले सकते हैं। मेरा एक बैंगन ख़राब निकल गया दोस्तों, इसलिए मैंने एक ही लिया है। आप 2 भी डाल सकते हैं अगर आपको बैंगन पसंद है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ओल को हम एक कुकर में ऐड कर देंगे। इसमें हल्का सा हम आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे गैस पर रखकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। इससे हमारा ओल हल्का सा गल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको सीटी नहीं लगाना है, वरना ओल ज़्यादा गल जाएगा। चलिए दोस्तों, ओल आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। बहुत अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे। सबसे पहले तेल दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अपनी आलू को ऐड कर देंगे और आलू को सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आलूओं को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर निकाल लिया है। और बचे हुए तेल में दोस्तों हम अब ओल को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों, ओल को भी हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब उसी तेल में हम बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों, ओल आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मसाले में हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, यहाँ 30 से 35 लहसुन की कलियाँ हमने ली हैं, यहाँ 1 चम्मच के करीब यहाँ पीला सरसों हमने लिया है और यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च ली है। सारे मसालों को मिक्सी जार में ऐड कर और इनका फाइन पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बैंगन को भी हमने बहुत अच्छे से लाल कर भूंज कर निकाल लिया है। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करेंगे। ये दोस्तों, बचे हुए तेल में हम ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्च और हल्का सा राई 1/4 चम्मच के करीब और इसे अच्छे से चटकने देंगे। राई को दोस्तों अच्छे से लाल होने दे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए दोस्तों, हमारा मसाला भी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो हमने टमाटर लहसुन और पीला सरसों को डालकर पीसा था। राई चटक गया है दोस्तों, टमाटर वाला अपना मसाला ऐड कर देंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी का पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार दोस्तों इसमें लाल मिर्च का पाउडर आप ऐड कर लीजिए। और यहाँ हम डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। अच्छे से मसाले को मिक्स कर देते हैं। यहाँ हम सारे सब्जी का नमक ऐड कर रहे हैं और हमने किसी भी सब्जी को फ्राई करते समय उसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ हम सारा नमक मसाले में ही ऐड कर दे रहे हैं। और अब दोस्तों, मसाले को बहुत ही अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक हमें भूनना है, तभी आपका जो सब्ज़ी है वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। देखिए दोस्तों, मसाले को पकाते हुए बस 5 मिनट के करीब ही हुआ है और देखिए मसाले का कलर आप देखिए बहुत ही प्यारा आया है दोस्तों। और मसाले को हमें बहुत अच्छे से अभी और 5 से 6 मिनट के करीब बहुत अच्छे से मसाले को अभी और पकाना है। देखिए दोस्तों, मसाला बहुत अच्छे से हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आलू और ओल डालकर भी 1 मिनट आलू और ओल को भी मसाले के साथ भून लेंगे दोस्तों। इससे काफ़ी अच्छा मसालों का फ्लेवर चला जाएगा ओल और आलू के अंदर तक। अभी हम इसमें दोस्तों बैंगन नहीं डालेंगे, क्योंकि बैंगन हमारा बहुत ज़्यादा मैशी सा हो जाएगा, गल जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आलू और ओल को ही डालेंगे। बैंगन को हम लास्ट में ऐड करेंगे और बस 1 से 2 मिनट मसालों के साथ आलू और ओल को भी हम भून लेते हैं। ओल और आलू को भी हमने मसालों के साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है दोस्तों। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। और बैंगन दोस्तों हम अभी ऐड नहीं करेंगे, वरना बैंगन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। बैंगन को हम लास्ट में ऐड करेंगे। ग्रेवी को हल्का पहले थिक कर लेंगे।
और ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लिया है देखिए। और अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन हमने पहले नहीं ऐड किया था वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाती। और देखिए कलर बहुत ही प्यारा आया है। और अब हम इसमें बैंगन ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे बस 1 से 2 मिनट पका लेंगे। बस ढक के इसे 1 से 2 मिनट और पका लेंगे और हमारा ये मज़ेदार सा सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा आलू बैंगन और ओल का सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आया है, आप देख सकते हैं। और सब्ज़ी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गल चुकी हैं और पक चुकी हैं। आप भी इस तरीके से ओल, आलू और बैंगन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप सभी ज़रूर बनाइएगा, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन या मैसेज आपके मोबाइल तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फिर आप सभी से मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।